जहां पर शिवलिंग की पूजा करने के मामले को लेकर लगातार मामला गर्माता जा रहा है। 11वीं मस्जिद के अंदर जो कथित शिवलिंग है उसको लेकर यहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का ऐलान कि वहां पर वो पूजा करेंगे जब तक परमिशन नहीं, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, कहा है महाराज ने। उस प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को मठ में ही रोक दिया है और नाराज होकर अन्न जल त्याग कर बैठ गए हैं मठ में। यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद यहाँ पर उनको देखिए हाउस अरेस्ट कर लिया गया, इसके चलते वो अन्न जल त्याग दिया। हम हैं इस वक्त श्री विद्या मठ में, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी भी अपने मठ में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, पुलिस भी यहाँ पे तैनात है। हम बात करेंगे बाबा जी से। बाबा जी नमस्कार। नारायण। क्या है, क्यों आज यहाँ पुलिस वगैरह तैनात कर? अब आपको पता ही है भगवान की पूजा भारत देश में अब मुश्किल हो रही है। भगवान की पूजा का संकल्प कोई कर ले तो पुलिस लग जाती है, और कोई हत्या करने के आए तो हत्या करके चला जाता है, वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती है। कहा जा रहा है कि कानूनन रोक है, अशांत रोक है, तो किस चीज की रोक है? कानूनन किस चीज की रोक है बताओ आप। हम मामला न्यायालय में, तो हम कोर्ट में गए हैं, हिंदू किस लिए कोर्ट में गए हैं? यही कह के तो गए हैं कि ये शिव जी हैं। अगर शिव जी हैं तो उनकी पूजा होगी कि नहीं होगी? अगर हम कह के जाते कि ये गाय है तो चारा देते कि ना देते? अगर वो शिव जी हैं तो शिव जी की पूजा होगी कि नहीं होगी? हम क्या कह के गए हैं ये बताइए। मूलभूत प्रश्न ये है कि हम कब मानेंगे कि वो शिव हैं? जब कोर्ट फैसला कर देगा तब मानेंगे कि हम मानते हैं, इसलिए हम कोर्ट गए हैं, आप बताइए। पुलिस का कहना है कि इससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। भाई शांति व्यवस्था भंग हो सकती है तो आप व्यवस्था बना दो ना, ऐसा तरीका बना दो कि हमारी पूजा पहुंच जाए भगवान तक। हमारी कोई जिद नहीं है कि हम इतने लोग जाएं, हमारी कोई जिद नहीं है कि हम इस रूट से जाएं, हमारी कोई जिद नहीं है कि हम ही जाएं। हम तो चाहते हैं कि भगवान की पूजा हो जाए, हमारे भगवान बिना पूजा के ना रहें। आप क्यों नहीं व्यवस्था बनाते हो? न्यायालय क्यों व्यवस्था नहीं बनाता है? बना दे, हमारी कोई ऐसी जिद नहीं है। न्यायालय में बहुत से लोगों ने याचिका की है कि वहाँ शिव मिले हैं तो वहाँ पूजा करने की अनुमति दी जाए। वहाँ पर जो गए हैं वो कहते हैं कि हमको पूजा का अधिकार मिले, अधिकार एक महीना बाद मिलेगा चलेगा। हम अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि हमारे भगवान को भोग पानी और भोजन मिल जाए, भोग मिल जाए उनको। हमारी मांग अलग तरह की है, हमारा कोई पूजा का अधिकार की कोई मांग नहीं है कि हमको पूजा का अधिकार दे दिया जाए। अधिकार एक महीने बाद मिलेगा चलेगा, इसलिए वो लोग 4 जुलाई के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं कि हमारे भगवान बिना पूजा के ना रहें, उनको पानी और भोजन मिल जाए। तो पानी और भोजन की रोज की जरूरत, डेली नीड है ये बाबा जी। अंतिम जरूरत, आप बाबा जी हैं, आपके सामने बाबा जी की पुलिस है, क्या लगता है कि टकराव होगा? ये सत्ता की पुलिस है। बाबा जी कोई व्यक्ति तब तक रहता है जब तक मठ में मठाधिकार के अनुसार व्यवहार करता है, जब वो मुख्यमंत्री होकर के शपथ ले लेता है। देखिए हम धर्म की शपथ लेकर के यहाँ पर गिरुआ पढ़ पन करके खड़े हैं। एक व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है तो धर्म निरपेक्षता की शपथ, सत्य संविधान की शपथ ले लेता है, तो वो अलग तरह का, वो मुख्यमंत्री है, वो बाबा जी कुछ नहीं, वो मुख्यमंत्री है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, हमको उनसे कोई शिकायत नहीं। कितने बजे निकलना है आपका, क्या? 8:30 बजे हमारा पहले से तय, 8:30 बजे। धन्यवाद। तो ये थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो बता रहे थे कि 8:30 बजे के लगभग वो यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल बाबा जी के सामने दूसरे बाबा जी की पुलिस है, अब देखना है 8:30 बजे क्या होता है। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। प्रशासन ये कह रहा है 71 लोगों का एक समूह लेकर के आप जाएंगे, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमने अपने सारे लोगों को आपके सामने हमने अपने सहयोगियों को मठ के अंदर रोक दिया है, दरवाज़ा बंद करवा दिया है। ये कह दिया है कि हमारे जो लोग हैं हमारी आज्ञा का पालन करें और इस लक्ष्मण रेखा से आगे ना आए। अब कोई हमारे साथ नहीं आ रहा है, हम अकेले आगे बढ़ रहे हैं भगवान विश्वेश की पूजा करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जगतगुरु शंकराचार्य जी का आदेश है, क्योंकि ये करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था है, हमारे भगवान का स्वयं का पूजा पाने का उनका अधिकार है। भाई धरने पर नहीं बैठ रहे हैं, हम पूजा के लिए निकल चुके। हमारे हिंदुओं में ये सामान्य प्रैक्टिस है कि पूजा के बाद ही भोजन करते हैं, तो जब हम पूजा के लिए निकले अब पूजा करने के बाद ही भोजन करेंगे। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, अन्न जल सब त्याग दिया है बाबा ने, वो कह रहे जब तक पूजा नहीं तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं, क्या अपडेट है? अभी किस तरीके से उनकी बातें सामने आ रही हैं, महंत की, और पुलिस प्रशासन कैसे उनको मना रहा है?
देखिए, पुलिस प्रशासन अपनी बात उनको कल ही स्पष्ट कर दिया था कि मामला न्यायालय में है, वहाँ पे रोक है इन सब चीजों की, लिहाजा आप वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से निकलते हैं तो कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा होगा, इसलिए उनके नजर एक प्रकार से नज़रबंद हाउस अरेस्ट के रूप में है। और जब उनको रोका गया तो चूंकि उन्होंने अभी घोषणा की है कि वो जब तक पूजा नहीं कर लेंगे तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, अब देखना है, पूजा तो नहीं कर पाएंगे वहाँ, उनको जाने को नहीं मिलेगा कदापि, किसी भी हालत में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट की बातें हैं, कोर्ट की अवमानना पुलिस नहीं कर सकती किसी भी हालत में, बाबा जी क्या किसी को भी वहाँ जाने नहीं दिया जा सकता। अब देखना है कि बाबा जी जो अपनी जीत पे बैठ अक्सर अपनी जीत पे इस तरीके के धरना प्रदर्शन करने के लिए बाबा जी मशहूर हैं, अब इस बार उनका जीत किस तरफ उनको ले जाता है, क्या गुल खिलाता है पता चलेगा। फिलहाल अपडेट ये है कि ये मठ है, मठ के सामने देखिए पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, इसके अंदर वो बैठे हुए हैं, और एक सामान्य प्रक्रिया में कहा जाए तो उसको अनशन कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अन्न जल के लिए कहा है कि जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अन्न जल ना ग्रहण करने का वो यहाँ पर ऐलान कर चुके हैं, और अभी वो मीडिया कर्मियों से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ कहा जा रहा है 71 संत जो है वो जाने के लिए तैयार है, कह रहे हैं हमें कहीं से भी जाने दो लेकिन जाने दो। तो बाबा जी को तो नजर बंद कर दिया, लेकिन 71 संत जो भी कहे जा रहे थे जो साथ में जाएंगे उनका क्या? देखिए, कोई कोई संत वंत कोई नहीं आया था, उनके जो साथ में जो बटुक और शिष्य थे वही लोग मठ के अंदर जो लोग रहते हों, चूंकि बनारस में यदि ये बात करें तो उनकी स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी थी, जबकि काशी कॉरिडोर जब मंदिर बन रहा था उसका भी उन्होंने विरोध किया था, वो हर चीज़ों का विरोध ही करते हैं, विरोधी बाबा के नाम से बनारस में जाते हैं, इसलिए आम जनमानस जो है उनसे नाराज रहता है, उनके साथ नहीं खड़ा। वो जब आवाहन करते हैं, जो 71 लोगों की बात करते हैं उसमें से कुछ लोग जो भगवाधारी हैं वो कहीं से संत नहीं है, बाकी सब उनके बटुक हैं, कुछ अधिवक्ता हैं, कुछ उनके जानने वाले मठ से जुड़े हुए, उनके संगठन से जुड़े हुए वही लोग हैं। बहरहाल वो लोग अब यहाँ से जा चुके हैं, उनको पुलिस ने मठ में नहीं घुसने दिया, और जो मठ में है उसको मठ में ही रोक दिया है, और यथास्थिति ये है कि अभी सभी लोग मठ के अंदर हैं और बाबा जी अपने जिद पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, आप नजर रख रही इस खबर पर फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो आज देखिए बाबा जो जाने की जिद पर अड़े हैं, उनको रोकने की पूरी कोशिश वहां पर पुलिस प्रशासन की है, कोर्ट के अंदर जो पूरा मामला चल रहा है उसका हवाला देते हुए उन्हें वहां पर रोका जा रहा है, लेकिन अन्न जल त्याग अनुमति नहीं दी गई है, हमने विचार की याचिका दी है, उसका कोई जवाब आपकी तरफ से नहीं आया है अभी कोई याचिका, हमने पुनर्विचार के लिए याचिका राज को रात को भेजी है, अभी तक आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया है, हमने पुनर्विचार की याचिका दी है, आप कहें तो हम आपके सामने प्रस्तुत करें, पुनर्विचार की याचिका लाइए, हम अकेले अपने हाथ में पूजा की सामग्री लेकर 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से एक व्यक्ति जा रहा है तब भी हमको रोक लगाई जा रही है, भारत देश में सनातन धर्मियों की आस्था का ये हाल है, उत्तर प्रदेश में काशी नगरी में भगवान विश्वनाथ के स्थान पर भगवान प्रकट होकर के दर्शन लगा रहे हैं, लेकिन हमको पूजा करने का अवसर नहीं मिल रहा है, न्यायालय इस बात को नहीं समझ रहा है कि एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को रोज राग भोग पूजा की आवश्यकता होती है, स्नान की आवश्यकता होती है, उसमें प्राण होते हैं, उसको भोजन की पानी की आवश्यकता होती है, आप न्याय करिए, आप विचार करिए, आपको जो उचित लगे वो निर्णय दीजिए, हम बाध्य हैं, नहीं है कि जो न्यायालय का निर्णय होगा हम मानेंगे, लेकिन न्यायालय का निर्णय जाने कब होगा, तब तक क्या भगवान भूखे और भूखे रहेंगे? न्यायालय का आदेश इसलिए रोक रहे हैं, वो न्यायालय का आदेश है, वो कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है, इसलिए हम ये पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत किए हैं, इस पुनर्विचार याचिका का कोई जवाब आपको हम मोबाइल लाओ हमारा, हमने कमिश्नर साहब को स्वयं अपने मोबाइल से ये याचिका रात को भेजी है, हमने अपने आदमी को उपायुक्त के कार्यालय में पत्र लेकर के स्वयं भेजा है, वो वीडियो निकालो जो उसने पत्र दिया है, ये कह रहे हैं कि हमको मिला नहीं है, हमारे पास प्रमाण है, हमारे हमको देखिए ये पुलिस वाले खड़े हैं, सुधीर कुमार त्रिपाठी जी और रमाकांत दुबे जी, ये SHO बेलूपुर हैं, और आप कहाँ? SSI बेलूपुर हैं, आप कौन हैं? ये भी वहीं से हैं, ये लोग
हाथी अड़ा दिए हैं हमारे सामने, कह रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। हमने परमिशन के लिए जो याचिका दी थी उसको निरस्त कर दिया गया था, उसके बाद हमने ये पुनर्विचार याचिका दी, इसका कोई जवाब हमको नहीं मिला। आप क्या करेंगे? हमने इसमें ये कहा है कि भगवान विश्वनाथ का पूजा पाने का, वहां पर जो प्रकट मूर्ति है उसका पूजा पाने का अधिकार है, उसको कैसे सस्पेंड आप कर सकते हैं? इस बात का जवाब वाराणसी के प्रशासन पुलिस की ओर से हमको नहीं मिला है और हमको रोका भी जा रहा है। तो क्या इस भारत देश में हमारे भगवान को भूखा और प्यासा रखा जाएगा? 100 करोड़ सनातन धर्मी, एक प्रतिनिधि उनका आपसे ये याचना कर रहा है, लेकिन आप उसको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये क्या स्थिति है? क्या इसको समझने और समझाने की जरूरत नहीं है? हम पुनः पुनः इसका जवाब हमको दीजिए। हम कहते हैं हम रुक रहे हैं, अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं, अब पीछे तो हम जाएंगे नहीं। देखिए, हम अब पूजा का थाल हाथ में लेकर के निकल चुके हैं, पूजा करके ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद ही हमारे यहाँ नियम है कि व्यक्ति भोजन करता है, अब हम पूजा के बाद ही भोजन करेंगे। पूजा के लिए निकल चुके हैं, जहाँ पर जहाँ तक हमारे मठ के गेट तक हम आ चुके हैं, गेट के भीतर की तरफ अब हम नहीं जाएंगे। अब हम यहीं पर रह करके आगे के आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। आपके कमिश्नर साहब को हमने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से कल रात को पत्र भेजा था, तब जब आपके कार्यालय ने, उपायुक्त पुलिस के कार्यालय ने हमारी याचिका को लेने से इनकार कर दिया था, रिसीविंग देने से इनकार कर दिया था। हमारा जो आदमी गया था उसने फोन करके बताया कि लेने से इनकार कर रहे हैं। हमने कहा देते हुए का फोटो या वीडियो बना लो, तो उसने बनाया है और हमने स्वयं कमिश्नर साहब को अपने मोबाइल से ये पत्र व्हाट्सएप पर भेजा है, फिर भी कह रहे हैं कि हमको मिला नहीं है। तो अभी हम इनको उपलब्ध करा देते हैं, ये प्रति हम समर्पित कर रहे हैं। हमको इसका लिखित जवाब दीजिए कि क्या उस मूर्ति को जो प्रकट हुई है उसको पूजा पाने का अधिकार है कि नहीं। गुरु जी, जब तक आप नहीं जाएंगे तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे क्या? भाई कैसे करेंगे? आप बताओ, बिना पूजा के खा लेते हो क्या? पंचन पर कोई भी हिंदुओं में ये जनरल प्रैक्टिस है कि वो पूजा के बाद ही भोजन करते हैं, भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। तब हम पूजा की थाली करने लेकर के पूजा के लिए निकल चुके, तो अब हम कैसे भोजन करेंगे? हम तभी भोजन कर सकते हैं जब हमारी पूजा भगवान को समर्पित हो जाए। तो हम यहाँ पर बैठ रहे हैं और इस पत्र को हमारे SHO साहब को हम समर्पित कर रहे हैं, ये इसको आगे बढ़ाएं क्योंकि ये कह रहे हैं हमको मिला नहीं और इसका जवाब हमको प्राप्त कराएं, उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। लीजिए साहब, विकास।